चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा थाना पुलिस ने 2 अवैध पिस्तल और 13 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक पिस्तल और कारतूस बेचने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक कल्याणपुर पुलिया के नीचे जिंदा कारतूस और पिस्तल लेकर खड़ा है, जिस पर एएसआई सूरज कुमार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां खड़े युवक की तलाशी ली तो युवक ने अपना नाम गौतम उर्फ मोनू लोहार बताया। उसके पास एक पिस्टल मैगजीन लगी हुई और एक पिस्टल खाली मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस मिले, जिसे पुलिस उसे थाने लाकर पूछताछ कर रही है कि उसने ये हथियार कहाँ से खरीदे हैं।